नमस्कार, मैं अखिलेश सेन स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एएसई लर्निंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो हमारे वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन द्वारा आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे हमारे सारे वीडियो की जानकारी वहां पे मिलती रहती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो हमारे जीएसटी रिटर्न का डेटा होता है, जीएसटी R1/3B, इसको हम अपने सीए को कैसे भेजें और टैली में अपना डेटे को कैसे तैयार करें, तो ये सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें। सबसे पहले दोस्तों, करना क्या है, हमें इसमें जाना है अपने जीएसटी R1 में, टैली के जो जीएसटी R1 है। अब इसमें जाएंगे कैसे, इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बैग आएंगे आप गेट टू टैली के अंदर, जाने के बाद आप यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले पे, नीचे देखो डिस्प्ले पे, डिस्प्ले से जाएंगे आप अकाउंट्स वो स्ट्रेटरी के अंदर जीएसटी रिपोर्ट पे, और जीएसटी रिपोर्ट से जाएंगे जीएसटी R1 पे। देखिए दोस्तों, ये हमारा जीएसटी R1 खुल गया है, ये थोड़ा ये खुल गया है जीएसटी R1। यहाँ पे आपका जीएसटी R1 का आपका नंबर आ रहा है, यहाँ पे पीरियड आ रहा है, यहाँ पे ये सब पूरा डेटा आपका जीएसटी R1 का यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना पीरियड देखना है, क्यों जो आप जिस पीरियड की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब कि जिस भी जो भी मंथ का आपको डेटा भेजना है अपने सीए को, वो मंथ यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं अब मई का भेज रहा हूँ, ये जून चल रहा है तो मई का डेटा भेजूंगा मैं, तो 1 मई से 31 मई या आपका अप्रैल का जिस भी मंथ का भेजे उस मंथ में आप F2 से यहाँ पे पीरियड चेंज कर लें, 1/5/22, 31/5/22। अगर आप और किसी मंथ का भेजे तो आप वो भी चेंज कर लें। तो ये हो गया। अब उसके बाद आपको सबसे और देखना क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका अनकंटेंट ये मिसमैच में आता है ना, यहाँ पे हमेशा आपका जीरो होना चाहिए इस कॉलम पे, मतलब इस रो में, ये आपका हमेशा यहाँ पे जीरो ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है 1 या 2 तो दोस्तों उसका मतलब है कि आपके डेटा में कुछ ना कुछ कमियां हैं। वो कमियां कैसे, अगर इसमें कोई मिसमैच आ रहा है तो इसको इंटर करोगे और इंटर करने के बाद वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी देखने के लिए। तो मेरा इंटर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी मिसमैच नहीं है। तो अगर आपके में कोई मिसमैच आए तो पहले इस मिसमैच को ठीक कीजिएगा, उसके बाद ही डेटा भेजिएगा। अब देखिए दूसरे नंबर पे हमारे अपना आपको डेटा चेक करना है, B2B इनवॉइस हमारे जो कटे हुए हैं, 41 फीस कटे हुए हैं, 41 बिल कटे हुए हैं, ठीक है। B2C यहाँ पे एजेंट समरी देखनी है आपको, जनरेट हो रही है नहीं, अगर क्योंकि आपको भेजने से पहले पूरी जांच खुद से करनी है। ये देखिए मेरी एजेंट समरी यहाँ पे पूरी जनरेट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बैक करेंगे और अब करेंगे हम इसको एक्सपोर्ट, अब हम करेंगे इसको एक्सपोर्ट। तो देखिए, चलिए सबसे पहले एक्सपोर्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप ऑल्ट ई कर सकते हैं कीबोर्ड द्वारा, या डायरेक्ट माउस से इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए अपने रिटर्न फॉर्मेट ई रिटर्न यस करेंगे, एक इंटर करेंगे इस पर। देखिए अभी ये हो रहा है, डेटा के अनुसार ही डेटा की लेंथ कितना बड़ा डेटा है उस हिसाब से ये थोड़ा बढ़ करता है। ये देखिए, ये अब हमारी एक्सपोर्ट की विंडो खुल गई है, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल शीट में। ये दोस्तों हम करने को जेसन फाइल में भी सेंड कर सकते हैं, जेसन फाइल में कभी डेटा सेंड सीए को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, जब हम सीए उसमें डेटा को देखता है तो उसको एक्सेल शीट में ही देखना पड़ता है उन्हें, ठीक है। और अगर आप जेसन शीट भेजेंगे तो जेसन शीट को भी डायरेक्ट अपलोड करेंगे और इसमें कोई एरर हुआ तो गलती हुई तो फिर वो वहाँ पे इधर दे देगा और वहाँ पे रिटर्न फाइल में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक्सेल शीट में ही डेटा भेजें अपने सीए को। यहाँ पे एक्सेल शीट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप फोल्डर का पाथ देंगे, जिस भी फोल्डर में आपको एक्सपोर्ट करना है, ये मंथ की आप सेव कर, चलिए मैं आपको पाथ दे देता हूँ इसमें। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये मंथली रिटर्न के नाम से एक फोल्डर बना रखा है और यहाँ पे मैं मंथ वाइज अपना सेव करता हूँ सभी जो डेटा होता है। ये मई का रिटर्न है तो मैं मई लिखूंगा, अब इसके अंदर क्लिक करूंगा। अब मैं ये पाथ जो है वो कॉपी कर लूंगा, कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड प्लस डी करेंगे यहाँ पे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद अब आप फिर से अपने एक टैली की विंडो पे आएंगे और यहाँ पे कर देंगे आप कंट्रोल वी, कंट्रोल वी मतलब वेस्ट,
अब यहाँ पेस्ट करेंगे, इंटर कर देंगे, एक बार फिर इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये ऑल वाउचर रखेंगे यहाँ पे और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर देखिए अब ये हमारा डेटा GSTR में का एक्सपोर्ट हो रहा है। ये थोड़ा समय लेगा, आपकी सब विंडो अलग अलग टेबल वाइज आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। देखिए ये हमारी अपडेटिंग रो नंबर चल रहे हैं, कुछ ही सेकंड लेगा आपके डेटा के लेंथ के हिसाब से। ये देखिए ये मेरा डेटा एक्सपोर्ट हो चुका है और एक्सपोर्ट होने के बाद ये ओपन भी हो गया है, ये एक्सेल शीट में ओपन हो गया है। अब इसको हम चेक करेंगे। देखिए हमारा अब हम टेली से ही इसको चेक करेंगे, हम टेली पे जाएंगे और देखिए जो हमने यहाँ पे B2B इनवॉइस काटे रखे थे बिल, B2B इनवॉइस में देखिए हमारे ये 76 आ रहा है। ये 76 क्यों आ रहा है, ये 41 प्लस ये 28 दोनों हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूँ 41 प्लस 28 ये 39 हुआ है। तो और साथ में ये तीन दिन टोटल मतलब हमारे जो इन्वाइस है 76 बिल कटे हुए। अब 76 बिल में से देखिए हमारे क्रेडिट नोट 3 है और ये, अब देखिए यहाँ पे आप B2B समरी चेक कीजिए, ये B2B ये आपको जो B2B इन्वाइस है ये सारे इन्वाइस यहाँ पे आ चुके हैं। B2B के B2C के इन्वाइस मतलब टोटल सेल आपकी ये आ चुकी है। HSN समरी आपकी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, देखिए पूरी ये आप एक बार चेक कर, एक्सपोर्ट करने के बाद इसको चेक कर लें कि मतलब जो भी हमारा डेटा है वो सही प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट हुआ है या नहीं। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट समरी आ गई यहाँ पे, कि अब ये डॉक्यूमेंट समरी आप यहीं से मिलाएंगे। जैसे ये डॉक्यूमेंट समरी है आप टेली पे जाएंगे, टेली पे जाएंगे आप डॉक्यूमेंट समरी पे जाएंगे। देखिए जैसे ही डॉक्यूमेंट समरी को आप खोलेंगे, देखिए खोलने के बाद देखिए GST इनवॉइस हमारे 76 इसमें भी आ रहा है और 76 में से हमने 7 कैंसिल किए हैं तो 69 हमारे पास टोटल इशू हुए और जिसमें से डेबिट नोट हमारे 1 है और एक हमारा 3 हमारे क्रेडिट नोट है। ये डॉक्यूमेंट समरी हो गई, ये प्रॉपर तरीके से बिल हो चुकी है हमारी मतलब एक्सपोर्ट हो चुकी है और डेटा अब इसको हम करेंगे सेव है। अब इसको हम एक बार दोबारा से कंट्रोल एस करके सेव करके यहाँ पे इसको कट कर देंगे। अब ठीक है अब ये हमारा GSTR1 का डेटा एक्सपोर्ट हो गया है। अब हम करेंगे GSTR3B का डेटा एक्सपोर्ट, वो कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए। GSTR3B के लिए आप फिर से वही प्रोसेस देखेंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले के जाने के बाद आप जाएंगे स्टडी में GST रिपोर्ट पे, फिर आप जाएंगे GSTR3B पे। GSTR3B पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारी GSTR3B की विंडो खुल गई है। यहाँ पे देखिए हमारी टोटल आउटबोर्ड सप्लाई हमारी ये आ रही है यहाँ पे और जो हमारी ITC है वो हमारे यहाँ पे आ गई, ITC आ रही है। टोटल हमने वाउचर इशू किए हैं मतलब इंक्लूड रिटर्न में हमारे हुए 113 और जो टोटल वाउचर है हमारे 417 है। तो ये 417 वो वाउचर है जैसे कि कुछ आपके पेमेंट रिसीव जर्नल ये सब वाउचर होते हैं वो है और जो एक्चुअल वाउचर है हमारे जो मतलब हमारे GST रिटर्न के संबंधित है वो हमारे 113 है। तो यहाँ पे भी हमारा 0 आ रहा है। तो दोस्तों बस ध्यान रखने वाला बात यह है कि यहाँ पे जो हमारा ये मिसमैच होता है अनकरेक्टेड ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड इसमें 0 ही होना चाहिए हमेशा जो कि मेरा आ रहा है। अब ये हमारी प्रॉपर विंडो है, अब इसको भी हमें एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए वही तरीका है, आप कंट्रोल या तो आप ऑल्ट प्लस ई कर दें कीबोर्ड द्वारा या माउस से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दें। इसको भी सेम करेंगे, अब यहाँ पे ये एक्सेल शीट में जाएगा, ये नहीं इसको हम एक्सेल शीट में नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी GSTR3B है, इसको एक्सेल शीट में नहीं करेंगे, इसको हम प्रिंट करेंगे, इसको हम प्रिंट करेंगे वो भी बर्ड में। देखिए GSTR3B को एक्सपोर्ट मतलब CA को भेजने के लिए डेटा को कैसे सेव करते हैं उसके लिए आप कीबोर्ड से करेंगे ऑल्ट प्लस पी करेंगे यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट फॉर्म इसको यस करेंगे, फिर आप करेंगे प्रीव्यू मतलब इसको सेव करना है, प्रीव्यू देखेंगे और जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका MS ऑफिस वर्ड में खुल जाएगा। तो देखिए जो कि यहाँ पे आप दिख रहे हैं GSTR1 फॉर्म है आपका 3B और ये मंथ है आपको मई 2020, ये आपका फॉर्म का नाम आ रहा है, GST नंबर आ रहा है, ये टोटल सप्लाई आ रही है। इसको एक बार चेक कर लेंगे आप अपने टैली से, देखिए जो भाई टोटल सप्लाई थी वो आप टैली से चेक करेंगे यहाँ पे, ये हमारी 1,12,128 है। अब टैली में देखेंगे 1,12,128 ओके है, फिर आप अपना टैक्स मिलाएंगे टोटल जो टैक्स है देखो 28,900 CGST हमारा GST 28,981 है, 28,981 इसमें भी आ रहा है, ठीक है ओके। दोस्तों ऐसा ही आप नीचे आएंगे तो आप फिर अपनी ITC मैच करेंगे 17 45 172 है, तो
तो यहाँ पे भी देखेंगे आप 17, 45, 172 ओके, मतलब हमारे ये डेटा भी ओके। अब इसको हम कर लेंगे सेव, कंट्रोल एस से सेव हो गया। अब इसको हम करेंगे कट। अब हमने जिस फोल्डर में सेव किया था उस फोल्डर पे जाएंगे, तो हम उस फोल्डर पे जाएंगे तो जहाँ पे आपका फोल्डर था ये देखिए हमारा मंथली जीएसटी रिटर्न है, इसको क्लिक करेंगे तो ये फिर मई की मंथ बन जाएंगे। देखिए ये हमारा जीएसटी R1 यहाँ पे, जीएसटी R3 भी यहाँ पे है दोनों। तो ये हमारे डेटा यहाँ पे सेव हो चुके हैं, जीएसटी R1 हमारा एक्सेल फॉर्मेट में और जीएसटी R3 भी हमारा बैट की फॉर्मेट में है। अब इसको हमें करना है अपने सीए को मेल, तो हम ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे हम नया टैब खोलेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे अपना मेल आईडी को लॉगिन करेंगे। जैसे ये हमारी मेल आईडी हुई, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए ये हमारी मेल आईडी पे, अब यहाँ पे हम सेम जैसा मेल करते हैं वैसे मेल करेंगे, उसमें करना है हम पोस्ट करेंगे यहाँ पे। कंपोज करने के बाद आपको यहाँ पे अटैच फाइल करोगे जब, तो अटैच फाइल करेंगे क्लिक करेंगे, तो अटैच फाइल में आप अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे जहाँ पे आपका फोल्डर बना हुआ है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप जाएंगे मंथली रिटर्न पे, फिर जाएंगे मई महीने वाले पे और इस पे कर देंगे ऑल फाइल। ये आपका देखो ये दोनों है, इसको हम क्लिक सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे दोनों डेटा यहाँ पे अपलोड होने लगा है, ये हमारे दोनों अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपने सीए का मेल आईडी मेल एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपके सीए जैसे कि हम अपने डाल दे रहे गगन अग्रवाल सीए, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी रिटर्न डेटा फॉर मंथ ऑफ 2022। अब आपका जो भी है अब वो लिख दें, यहाँ पे सेम जैसा लिखते हैं वही लिखते हैं और इसको आप सेंड कर दें। मैं अभी सेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिटर्न फाइल हो चुका है मेरा। तो दोस्तों इस तरीके आपको सेंड करना है अपना जीएसटी आर रिटर्न का डेटा R1 का और 3B का। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।